देखो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे मिरर्स का, बेसिक्स में बता चुका हूँ, ठीक है, बेसिक्स में बता चुका हूँ इसका क्या। स्फेरिकल मिरर्स का पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए, कौन से मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है जी। तो बेसिक्स में बता चुका हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पहला केस स्टार्ट करते हैं, पहला केस जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी के ऊपर रखा है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से, मान के चलो ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारा बीच में पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। पहला केस है ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है, पूछ क्या हूं कहां पे, नहीं बहुत दूर है, ठीक है, तो मतलब इन्फिनिटी से रेज आ रही है। अच्छा एक रूल क्या है मैंने बता रखा है, रेज ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से रेज हमेशा क्या रहेगी, पैरेलल, ठीक है जी। तो रेज क्या गई, पैरेलल गई। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर रे गेट पास थ्रू फोकस, सॉरी प्रिंसिपल फोकस, सारी की सारी रे कहां पर टकराएगी जाके, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, रेज गेट मीट एट एफ, ठीक है जी, प्रिंसिपल फोकस पर रेज टकराई। तो ऑब्जेक्ट कहां पर था, इंफिनिटी पे, ये पहला केस है, ठीक है। अब देखो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज कहां पर बनी, एट एफ, एट एफ, ये इमेज की क्या है, पोजीशन, ये इमेज की पोजीशन है, इमेज जो है वो आपकी एफ फोकस के ऊपर बनेगी, ठीक है। इमेज का साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा इमेज बनेगा, ठीक है ना। अच्छा नेचर कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड, मतलब रियल इमेज बनेगी और कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, उसका पोजीशन हो गया एट एफ, पोजीशन, साइज क्या रहेगा, बहुत छोटी इमेज बनेगी, और नेचर क्या है, रियल और इनवर्टेड, रियल और इनवर्टेड को थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। हाई डिमिनिश एफ पे बन रही है, दिख रही नहीं है, बहुत छोटी बनेगी। अच्छा इस चीज को ना मैं तुमको तरीके से समझा रहा हूं, वो वैसे इसमें समझाना गलत होगा, पर चीज को समझने थोड़ा बस छोड़ो। देखो जैसे हमारा क्या बोलते हैं, तुमने वो बोला लेंस देखा है, वो कन्वेक्स लेंस, सन की रेज आती है, पेपर पर पेपर रखा होता है, कुछ भी पेपर का टुकड़ा रखा है, उस पर सन की रेज मीट करेगी, वो पेपर उस जगह पर होल हो जाएगा, जल जाएगा। हुआ क्या, सन कहां पर था, इन्फिनिटी पे, मतलब सन की जो रेज है बहुत दूर से आ रही है और कलेक्ट होके फोकस पर इकट्ठी हो रही है। तो ये वो प्रैक्टिकल केस है, वही चीज हम यहां पढ़ रहे हैं, बस फर्क ये मिरर का है, वो लेंस का है। लेंस और मिरर में कंफ्यूज मत हो, वो बात की बात है, बस चीज को समझो, थॉट पकड़ो, थॉट, थॉट क्या कह रहा है, एट कहां से आ रही है रेज, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से रेज आई, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर इट गेट मीट एट प्रिंसिपल फोकस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन एट है एफ, और साइज इज हाईली डिमिनिश्ड, मींस वेरी स्मॉल इन साइज। इनको ये जो मैं इमेज फॉर्मेशन की केसेस पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे समझो इसको 5-6 केसेस के करीब हम पढ़ेंगे, मतलब हमें बेसिकली नेचर देखना है, किसकी नेचर देखनी है हमने, मिरर की, मिरर की नेचर देख रही है कि मिरर कैसे ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करता है, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ मिरर विल रिस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ इमेज, कैसे वो इमेज बनाता है। ऐसे समझो फोटोशूट चल रहा है, उस फोटोशूट में हम अलग अलग पोजीशन और वी कैन से दैट अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवा रहे हैं,
और उसके बाद हम उसका आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इमेज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस किस तरह का इमेज जनरेट हो रहा है। तो इन केसेस में हमने यही पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स के लिए, कौन से मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए। आर यू गेटिंग मी? यही था पहला केस, ठीक है जी।